हेलो गाइस, दिस गॉड गिफ्ट एंड हम लोग की जो टीम है दैट इज लिथल वॉरियर्स LW एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माय टीम दैट इज निशांत गॉड गिफ्ट मी सैम एंड सत्या गाइस दिस माय फर्स्ट वीडियो हो सकती है बहुत सारी कमियां एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट वन सो यूजुअली गाइस हम लोग का जो प्लान है हम लोग प्रीफर करते हैं जॉर्जपुर या नोवो में उतरने के लिए सो हमने इस बार डिसाइड किया कि जॉर्जपुर में आते हैं तो जॉर्जपुर थोड़ा दूर था तो हम लोग यहाँ से फोर व्हीलर लेके आगे जाने का प्लान किया अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ फोर व्हीलर नहीं था तो सैम गया टू व्हीलर और थ्री व्हीलर था तो सैम गया एंड एक और बाइक लेके आया वहाँ से तो हम लोग ने मूव किया टूवर्ड्स जॉर्जपुर अब जॉर्जपुर में आए लकीली यहाँ पे कोई और टीम आई नहीं तो हमें अच्छा सा लूट का मौका मिला और हमने अच्छे से लूटा एंड गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये रही कि हम सबके पास फ्लेयर गन थी यानी हमें चार फ्लेयर गन मिले ओके तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि यहाँ से हम लोग चलते हैं किसी अच्छी जगह पे वहाँ पे हम लोग फ्लेयर चलाते हैं ताकि एनिमीज को अटैक कर सके और थोड़ा अच्छे से फाइट हो यूजुअली गाइस चार फ्लेयर गन मिलता नहीं है बट इसका अभी तक आप तुमने देखा है कि फाइट नहीं था तो वी प्रीफर कि थोड़ा अच्छे से फाइट हो थोड़ा मज़ा आए तो बोले अभी यहाँ से निकलते हैं एंड हम लोग आए फ्यूल कम था यहाँ पे तो हम लोगों ने गाड़ी चेंज करने का प्लान किया गाड़ी चेंज किया हमने एंड जैसे लूजन स्टार्ट था तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे निकल पड़े एंड हम लोग का प्लान था कि कैसे अच्छी जगह पे चलते हैं जहाँ पे ओपन एरिया हो यूजुअली क्या होता है घर के बगल में या कहीं पे आप फ्लेयर चलाते हो तो छत के ऊपर जो आता है फ्लेयर अटक जाता है जो ड्रॉप जो होता है एंड ओपन एरिया में ड्रॉप आपके नीचे ही आता है तो आपको लूट में आसानी हो जाता है वरना दिक्कत हो जाती है तो यूजुअली ओपन एरिया प्रीफर करना चाहिए एंड अगेन ऐसी जगह हो जहाँ पे घर वगैरह हो ताकि आपको कवर भी मिल सके ओके तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग ब्लू जोन से आए थे तो हेल्थ सबका कम था तो हम लोग ने यहाँ पे बूस्टिंग किया हेल्थ लिया एंड वी प्लान किया अभी कोई अच्छा जगह से अच्छा घर वगैरह देखते हैं जहाँ पे हम लोग फ्लेयर गन चला सके फ्यूल कम था तो फ्यूल मेरे पास था तो डिसाइड किया अभी नहीं लेते फ्यूल नहीं डालते गाड़ी में बाद में जाते वक्त देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे उतरे हम लोग ने सोचा यहाँ पे अभी फ्लेयर गन वगैरह चलाएंगे इसी बीच में हमें गाड़ी की आवाज़ आई तो यहाँ पे एनिमीज आए जैसे एनिमीज आए अटैक हम लोग ने अटैक किया यहाँ में नॉक हुआ एंड निशांत मेरे बगल में था तो निशांत को मैंने आवाज़ दी तो निशांत ने आके मुझे यहाँ पे निशांत आया मुझे रिवाइव दिया था अब सत्या एंड सैम वहाँ पे फाइट ले रहे थे इसी बीच में सत्या भी नॉकआउट हुआ ओके तो आई टोल्ड निशांत कि तुम जाओ मैं यहाँ पे हेल्थ ले रहा था आता है अटैक में करते हैं या कुछ भी होता है तो अच्छा यहाँ पे अच्छा फाइट हुआ हम लोगों का इसी बीच पे सैम भी नॉकआउट हुआ अब मैं सैम को रिवाइव देखा था तो मैंने देखा सामने से एक एनिमी आ रहा है तो मैंने रिवाइव हटाया और पहले उसे ख़त्म किया यूजुअली गाइस ये प्रीफर करना चाहिए तुमने कि आपका फ्रेंड नॉकआउट पड़ा हो सामने एनिमी हो तो पहले रिवाइव ना करें एनिमी को ख़त्म करें अगर वो क्लोज है और आपको मार सकता है तो मैंने यही वही किया यहाँ पे अब मैं गया अंदर और खिड़की से मैंने देखा एक और एनिमी था वहाँ पे अब मैं अंदर आया इसको नॉकआउट किया है और पूरी तरीके से यहाँ पे इसे किल कर दिया मैंने अब यहाँ पे ऑलमोस्ट एक स्क्वाड हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था तो हम सब लोग ने प्लान किया कि फटाक से यहाँ पे जल्दी से फ्लेयर गन चला लेते हैं चारों और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेयर गन चलाया सभी ने तो गाइस बहुत मज़ा आया चार फ्लेयर गन एक साथ वाह
तो चार फ्लेयर चलाए, अब जो एनिमीज था उनका हमने लूट अच्छे से लूटा हमने यहाँ से यहाँ पे। एंड वी वर वेटिंग की हमें पता था यहाँ पक्का एनिमीज आएंगे, बिकॉज कि अगर चार फ्लेयर हैं तो कोई भी प्रीफर करेगा, अगर हम भी होते कहीं दूर और चार फ्लेयर चल जाते तो हम भी प्रीफर करते कि हम लोग वहाँ जाए और लूट करें उस फ्लेयर का। गाइस यूजुअली फ्लेयर में जो अच्छी गन्स होती है जैसे ओम हो, ऑक हो या क्रोजा हो, ये सब आपको फ्लेयर में मिलता है, तो लोग प्रीफर करते हैं फ्लेयर के पास जाने में। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आपको वहाँ से लूट भी मिलने के अच्छे चांस होते हैं एंड आपको वहाँ पे एनिमीज होता है, यूजुअली एनिमीज फाइंड करने का अच्छा सोर्स होता है फ्लेयर के लिए फ्लेयर से। अच्छा तो यहाँ पे वेटिंग कि कोई एनिमीज आए, चार फ्लेयर चले तो फॉर श्योर कोई ना कोई आने वाला था। इनफैक्ट वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक से ज़्यादा ही वहाँ पे स्क्वाड आएंगे, ज़्यादा ही लोग आएंगे एंड वी वर रेडी फॉर दैट। अच्छे से लूट हम लोगों ने किया, स्टिल वी वर वेटिंग, ड्रॉप गिर चुका था, आ चुका था, बट वी हैव प्लान्ड कि नहीं अभी ड्रॉप नहीं लेते, पहले हम लोग वेट करते हैं एनिमीज का। देखें यहाँ पे आएंगे ऐसी की बात। अब यहाँ पे सत्या एंड सैम को एनिमीज दिखा, निशांत एंड सैम को, तो इन्होंने एनिमीज से हिट किया। ओके अब दूसरी जगह से भी आवाज आने लग गई, मतलब हमें समझ में आ गया कि एक से ज्यादा स्क्वाड आया है, तो वहां पे सैम निशांत सत्या देखा हम सब लोगों ने एक एक साइड पे देखा। अब यहाँ पे मैंने यूजुअली गाइस ये जो है ये DP28 है, मैं DP प्रिफर करता हूँ स्नैपिंग के लिए। यूजुअली गाइस मुझे स्नैपिंग से ज़्यादा अच्छा क्लोज बैटल लगता है। अच्छा ये इट्स अ प्रेफरेंस कि आप कैसे करते हो, आपका प्रेफरेंस क्या है। जैसे हम लोग के स्क्वाड में निशांत है, उसे स्नाइपिंग बहुत पसंद है एंड वी ऑल्सो वट वी डू कि हमें कोई भी स्नाइपर मिलता है तो हम निशांत को दे देते हैं, वो अच्छे से यूज़ करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वाड चारों तरफ जो स्क्वाड आए थे इन्हें अच्छे से टैकल किया। ओके एंड यहाँ पे स्क्वाड, अच्छा यहाँ पे दूसरा जो था उनमें से पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, तो द फाइट वॉज स्टिल देयर। या एक तरफ में ये लोग अच्छे से देख रहे थे, सत्या सैम यहाँ पे नॉकआउट हुआ। ओके टीम चारों तरफ से थी एनिमीज, तो हम लोग मज़ा बहुत आ रहा था दोस्त गाइस कि अगर हर तरफ से लोग आते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन होता है, हर तरफ आप गोली चला सकते हो। यहाँ पे फाइट जो था वो बहुत इंटेंस हुआ था। ओके यहाँ पे जो लास्ट स्क्वाड थी, यहाँ पे जो लास्ट कॉड आई थी वो यहाँ पे बचे हुए थे लोग। ओके वैसे आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन एरिया पे हम लोगों ने ड्रॉप चलाया था, ओपन एरिया में चलाने के कारण सब ड्रॉप जो थे वो नीचे ही गिरे थे, कोई छत पे नहीं आया था एंड इस घर का हमने बहुत अच्छे से फायदा उठाया था, बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया था एंड यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा स्क्वाड ख़त्म किया एंड वी प्रिफर्ड कि ड्रॉप वगैरह अच्छे से लूट लेता। अच्छा इसमें ड्रॉप में मुझे ज़्यादा यूजुअली इंटरेस्ट नहीं होता है तो मैं ड्रॉप नहीं लूटता हूँ, निशांत हो, सत्या हो या सैम हो, ये लोग प्रेफर करते हैं ड्रॉप के सभी चीज़ें। हाँ ग्रोज़ा मुझे पसंद है, मैं ग्रोज़ा लेता हूँ यूजुअली ड्रॉप से एंड मैं बोल देता हूँ। अब यहाँ पे DP था मेरे पास में, तो ठीक है मुझे इस टाइम पे DP यूज़ करना था तो मैं DP ही यूज़ कर रहा था एंड आई सपोज वहाँ पे DP एंड 416 था मेरे पास में। ओके
तो यहाँ पे हम लोग ने स्क्वाड ख़त्म किया और लूटिंग यहाँ पे भी अच्छी हो गई हम लोगों की। अब हम बोले कि आगे रश करते हैं दूसरे स्क्वाड के ऊपर में। एज आप देख सकते हो जोन और छोटा हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकले। ये हम लोगों की एक कमज़ोरी हर बार रही है गाइस की, जोन आने से पहले हम निकलते नहीं हैं। कई बार ये दिक्कत हो जाती कि हम लोग स्क्वाड ख़त्म कर देते एंड जोन हमें खा जाता है, बट ठीक है अभी इस पर हम आजकल तो बहुत ही पहले से ज़्यादा, तो पहले तो बहुत ज़्यादा हम लोग जोन में ख़त्म हो जाते थे। अभी हम लोग यहाँ से निकले, अभी हमने देखा आगे अच्छा घर यहाँ पे है। अभी इसका अब देखोगे तो हाइट अच्छा है, ऊपर में है, तो यूजुअली यहाँ लोग प्रीफर भी करते हैं यहाँ एनिमीज होंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट थे नहीं यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो अभी जोन से आए यहाँ पे तो थोड़ा सा हीलिंग वीलिंग कर लेते हैं। ओके एंड यहाँ पे एनिमीज आने एक्सपेक्टेड भी थे। ओके तो हम सब लोगों ने यहाँ थोड़ा सा रेस्ट लिया, यहाँ पे हीलिंग वगैरह किया, गन वगैरह रिलोड करके अपने आप को प्रिपेयर किया नेक्स्ट स्क्वाड रश के लिए वहाँ पे। ओके अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मेरे पास बूस्टर ख़त्म हुए थे तो सत्या ने मुझे सीरीज दिया था। ओके डलिंग, अब हम लोग यहाँ पे वी आर रेडी, हम गाड़ी लेके हम लोग निकलने का प्लान किया। अब गाइस मेरे साथ ये बहुत होता है हर बार की गाड़ी जिस तरफ होती है मैं दूसरी तरफ ही उतरता हूँ, अब पता नहीं ये कैसा है। अब इस वक्त सैम भी यही बोल रहा था कि हर बार होता है आपका ये कि हम जहाँ गाड़ी लेके आता है दूसरी तरफ उतरते हो सकता है उस वक्त में मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। गाइस आई एम नॉट अ सच अ ग्रेट प्लेयर, मैं खेल लेता हूँ अपने स्क्वाड के साथ में, बट आई कैन टेल यू सैम सत्या एंड निशान दे आर ओपी, बहुत अच्छा गेम है। आई एम नॉट लाइक मैं अपने लिटिल वॉरियर्स की भी तारीफ तो नहीं कर रहा, बट अगेन गाइस वन थिंग, अभी ये जो मैच है ये हम लोगों का अभी जो चैलेंज चल रहा है 15 मैचेस का, जो वन ईयर का भी जो चैलेंज चल रहा है उसी का ही मैच है, जिसमें हम लोग ये हम लोगों का 8वां कुछ मैच था। ओके एंड 10 में से 5 हम लोगों ने चिकन डिनर किया था। सॉरी 4 चिकन डिनर किया था एंड बाकी में सेकेंड फोर्थ नंबर एंड एक में हम लोग थोड़ा जल्दी ये किए थे। तो ये बताने का रीज़न यही है कि हम लोग की के जो टीम मेंबर्स है दे आर लाइक बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं और सत्या नॉकआउट हो गए थे हम लोगों ने। अच्छा ये एक और चीज़ आपने ध्यान रखना चाहिए कभी कि आप रिवाइव कर रहे तो प्रीफर करिए कि वहाँ पे स्मोक करो, ताकि ऐसे सिचुएशन में स्पेशली छोटे सर्कल में टीम्स नज़दीक होती है, तो अगर आप रिवाइव कर रहे ऐसे ओपन में और दूर से देखेंगे तो आप पे स्नाइप हो सकता है एंड पहले तो आप वहाँ पे नॉकआउट हो और ऊपर से आपके साथ में आपको जो रिवाइव कर रहा है टीममेट उसे भी खतरा होता है एंड आपके भी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है एक और गोली लग जाए तो, बिकॉज पहले से आप नॉकड होते हो। ओके यहाँ पे एक और स्क्वाड आया जिस पे सब ने रश किया, मैं थोड़ा सा ऊपर आके हीलिंग लिया एंड इसी बीच पूरी टीम ने रश किया वहाँ पे, तो हील वील होने के मैंने ये देखा था कि रीच से टीम जा रही थी, अगर कोई ऊपर से आता तो यहाँ से मैं रुक कर उन पर स्नाइप कर सकूँ एंड वहाँ पे अपनी टीम को
हेल्प मिलेगा। बट अगेन वो लोग वहाँ तक पहुँच गए, जब उन्होंने बताया कि सब क्लियर है तो मैं निकला यहाँ से आ गया। अब आप देख सकते हो 12 इन द सेंस कि हम लोग 4 एंड 8 लोग और बचे हुए थे। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 स्क्वाड हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक तो यहाँ पे एनिमी से हमें पता चल गया था। ओके, तो हमने यहाँ पे पुश किया उन पे। ओके, स्नाइपिंग टावर में थे वो लोग। अच्छा, ये ओपन एरिया था, स्नाइपिंग टावर तो था, बट अगर ये भी चारों तरफ से ओपन है थोड़ा रिस्क तो होता है। एंड नीचे जैसे सैम नॉक था यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे रिस्क हो सकता था। तो हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से जीतते हैं, यहाँ पे नॉक किया उनका, लूटिंग किया, उसके बाद में हम लोगों ने आगे अटैक करने का प्लान किया जो अगल बगल में थे। अब देख सकते हो सत्या, सैम एंड निशांत के किल्स। रियली मुझे मजा आता है अपने स्क्वाड के साथ खेलने, इंडिविजुअली जब मैं खेलता हूँ रैंडम भी प्रीफर होता है अपना स्क्वाड, बिकॉज की स्क्वाड में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है आप लोगों की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब 6 लोग बचे, मतलब सिर्फ 2 ही बचे थे और हमें दिख गया कि सामने वहाँ पे एनिमी है। एंड एक तो मैंने देख लिया था वहाँ पे, एंड बाकी भी बता रहे थे कि वहाँ पे 2 है। तो आई वॉज लाइक कि देखते अगर वहाँ अगल बगल में कोई हो तो वहाँ पे भी देखते, तो हमने वहाँ पे उस उन पे पुश कर दिया। एंड मोस्टली चांसेस थे कि वहीं पे एनिमी हो। तो यहाँ पे सत्या एंड सैम ने आगे जाके पुश किया, एंड मैंने और निशांत हम दोनों पीछे थे। हम लोग बोले अगर यहाँ कोई होता है तो हम लोग यहाँ उस पर नज़र रख सकते हैं। तो इस बीच वो दोनों गए वहाँ पे और उन्होंने उस एनिमी जो एनिमी जो वहाँ दिख रहा था उस पर पुश किया। ओके, तो वी वर फाइंडिंग फॉर द नेक्स्ट अनदर वन। एंड गाइस, उसने M24 से मुझे वहाँ से स्नाइप किया, यहाँ में नॉकआउट हुआ। निशांत वंस अगेन मेरे साथ में था तो मुझे निशांत ने रिवाइव किया। ओके, वहाँ सैम ने उसे नॉक किया एंड हमें पता चला कि दूसरा एनिमी भी वहीं पे है। तो मैंने सोचा जल्दी से हीलिंग करके मैं जाता हूँ वहाँ पे। ओके, तो हम दोनों, मैं और निशांत यहीं पे थे और हम लोग आगे आगे धीरे धीरे जाने लगे। एंड सैम एंड सत्या वहाँ पे ऑलरेडी, या देखोगे उन्होंने उसे भी मार दिया। एंड वी वर लाइक विनर चिकन डिनर। तो गाइस बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, आप देख सकते हो दो लोगों की किल, वो लोगों का डैमेज, हम लोगों का टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है गाइस। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू।